कहाँ पर अंकल जी बैल? ये अंदर है या घर के अंदर? इसको तेजाब डाला किसी ने, 7-8 दिन हो गए इसको, 3 दिन से तो हमें ढूंढ रहे हैं इसको। मारता है? मारता तो होगा, अब तो दर्द हो गया, अब तो और मारेगा। और कोई रास्ता तो नहीं बाहर निकलने का? नहीं, ये आप लोगों ने इलाज करा था इसका? हाँ, हल्दी डाली थी सुबह, इसको चल रहा था फिर भाग के इधर आ गया उधर। आप अंकल जी लोकल थाने में कर सकते हो FIR ना इसकी, आप वहाँ पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, आप पूछ रहे थे ना अभी। हाँ हाँ, काफी अंदर तक जल गए तो। हाँ चलो, अब ये तो जानवर है, इसको बेचारे को दिमाग नहीं दिया हो तो आप अपना दिमाग तो लगाओ ना। पता नहीं कितने बेवकूफ लोग हैं ऐसे, मेरे को तो समझ नहीं आती। मरना तो सब नहीं, बेचारे इसने भी मरना, हमने भी मरना, फिर भी लोग ऐसे कर रहे हैं। चल 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 भाई, इधर आना। 3 किलो देते हैं, बाकी ड्रेसिंग वहीं पे करेंगे। मुझे यकीन है कि इसे देख के आपका भी मन वैसा ही खराब हुआ होगा जैसा हमारा हुआ। तो आइए थोड़ी देर कुछ लाइट हार्टेड अपडेट्स देखते हैं। तुम्हारे राज में तो विक्की प्राइवेट बात करना मतलब मना है। अभी तुम माइक भी पकड़ा दोगे मुझे? लो सर। चटोरी को हाँ कर दिए थे। हुआ क्या? चटोरी को शायद मधुमक्खी ने काटा होगा, सूजन हो गई काफी ज्यादा मुंह में, और नीचे रैशेज हो गए। एक जगह पे होना तो पूरे बॉडी में रिएक्शन आता है, इसीलिए तो वो पेट में भी रैशेज दिख रहे हैं ना। बस बस बस, अभी ठीक हो जाएगी तू एक दवाई के बाद। फिलहाल तो हमने इसको एंटी एलर्जिक और एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन दिए हैं, अगर सूजन कम हो गई तो फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट नहीं होती है तो हम 2 दिन और जाएंगे। जा। वो क्या बोलते हैं, बॉस? ततैया। बारिश में तो बड़ी चीजें घूम रही हैं भाई, बिच्छू ना काटे, बाकी सब सही है। तुमने मुझे तो आते ही माइक दे दिया, राधा को क्यों नहीं दे रखा माइक? क्योंकि आपने बोला था मैं बोल दूंगी। कहाँ है माइक वो? जो मेरे हाथ में है। लो, क्या फायदा ये हाथ में, क्यों हाथ में तो यहाँ तो बूम लगाई है तुम्हारे, तो ये तो बूम में हो ही रही है ना आवाज। मतलब माइक बंद है मेरे हाथ में, ये मतलब देना तो दिया क्यों नहीं फिर? मैं भूल गया था। ज्योति बाहर है? हाँ ज्योति बाहर है। अब दे देना कम से कम उसको माइक। हाँ, हाँ। और ये पार्ट में रखूंगा सांप को कि वो रखे। ये ले सर। अबे ये क्या हो रहा है? मॉस्किटोस। नहीं नहीं, हार्मफुल नहीं थे। हम हार्मफुल नहीं, हार्मफुल नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा। यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे कर दो ना, ये तो मोस्ट पॉपुलेटेड सा एरिया। इस सब के बावजूद ना लोग मुझे ना वो क्या एडवाइस दे के जाते हैं कि आप इतना स्ट्रेस मत लो, आपको हंसते रहना चाहिए। अरे मुझे कोई बात बताओ, किसी वजह साला चट्टान गिर जाए है तुम उसको कहोगे अरे चट्टान उठा दो ना, चट्टान उठा दो है, जो वाली बात है। अरे कोई मर्जी से थोड़ा दुखी होता है, आहट आ गई है यहाँ पे और ये पहले से लग रही है खुश। आगे आती खुश हो जाती है। हाँ यहाँ पे ठीक है यार। एक मुझे श्रीलू से मिलना था। श्रीलू? मेरे पास पूरी लिस्ट है जिस के अपडेट हमने दिया। एरिया में है। तुमने मुझे काटा था, मुझे याद है। इधर उधर थोड़ा थोड़ा चलती रहती है यहाँ। मैं इसके बारे में ये बोल रही थी ना कि आज जब गाड़ी पालमपुर जा रही है तो हम इसको एक्सरे के लिए भेज देते हैं, कि हम सोच रहे थे ना कि एक स्प्लिंट लगा देते हैं तो इसका जो पैर ये ऐसे रहता है ना, अभी दर्द तो नहीं है इसको ज़्यादा, लेकिन ये इसके वजह से स्प्लिंट रहेगा तो शायद वो पोजिशनिंग ठीक हो जाए। मुझे तो जीरो आइडिया, डॉक्टर त्यागी बेस्ट पर्सन है, वो बता देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे उससे मिलना था, कमांडो। हाँ जी आइए, खा ले खा ले, ये भी मेरे नोट्स भी खा ले। उसको भी हम लोग ना कैनल के उस तरफ रखते हैं सुबह, तो क्योंकि बहुत हल्ला करता है आजकल। यहाँ पे कुछ और भी एक्टिव कुत्ते हैं आपके भाई, जो मेरी नींद खराब करने में लगे हैं आजकल। ये एक तो मसूरी है, रेडियो है, रेडियो वापस एक्टिव हो गया हमारा। रेडियो एक्टर ये वो है जो पहले अग्रेसिव रहा था। कमांडो अपनी शक्ल तो दिखा दे। हाँ इसकी पहले से तो मच बेटर है यार, इम्प्रूवमेंट पर इसकी वही है कि एक ही नॉस्ट्रिल चलेगी शायद, क्या ऐसी परमानेंट प्राणायाम है इसका। लेकिन ऐसे कुछ देखा नहीं गया ना कि इसको दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, है ना? हम ऐसे तो कंफर्टेबल ही दिखता है, लेकिन यही जानता है इसकी स्थिति। चलो एटलीस्ट इसके पास एक घर है जहाँ जाएगा ना, और वो इसका ध्यान तो इस हिसाब से तो रखते हैं, प्लस अब उन्हें पता लग गया कि वो यहाँ ला सकते हैं।
बड़े सारे लोग हैं जानवरों की मदद करना चाहते हैं, आवारा की भी, पेट्स की भी, पर उनके पास संसाधन नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाएं। लेकिन इस समय तो लोगों को चाहिए एक सिंपल गूगल सर्च तो कर लें कि मेरे घर के आसपास कौन सा वेट है, कौन सा एनिमल रेस्क्यू है। हुआ क्या, अंकित है ना हमारा पारा है, उसने एक सुबह गाय देखी थी, इसके टेल में मैगेट वुंड है ना, हील भी हो जाएगा जल्दी, तो हमने फिर उसको रेस्क्यू करवा लिया है ना। ये है इसका वुंड, एक ये है, दो है, मैगेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा। सीधा हॉस्पिटल, यहाँ तो जगह नहीं है हमारे पास, चलो। जो बैक पीछे वाला जख्म है वो डीप है। अच्छा, ये भी लग रहा है कि ये भी डीप ही है। थोड़ा इसको वॉश कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैगेट तो काफ़ी हैं, यदि मैगेट्स हैं। देखो आज तो हमने पैक कर दिया पूरा ना, आयरमेक्टिन डाल के। रुक जा पुत्र, तुम्हारे पास कुल कितने हैं वहाँ? 24 कर लिए हैं, 21 कर लिए हैं, 21 और यहाँ पे, यहाँ तो फुल 13, राजकुमार को डाल के 13, मतलब कुल 44 हो गए ना, 21 और 13 34 हो गए। पीछे हमारे 10 अलग हैं, 44 हो गए, 44 और अब ये 2 आ जाएंगे, 46। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मिनियन जा सर, मिनियन को छोड़ सकते हैं? अरे मिनियन तो जरा सा, वो तो वैसे ही झुमके में आया था, वो तो काउंट भी नहीं करता, डेसिमल पॉइंट है वो तो। नहीं तो हमारे पास वैसे ही है, 5-6 तो छोटे छोटे बछड़े ही हैं हमारे पास, है ना, वही है 5-6। इनको ले आओ, उसके बाद मना कर दो, ठीक है। और मैं कह रहा था कि मेरे हिसाब से करना चाहिए ये कि जो भी हमारे पास अब केसेस आ रहे हैं, जो तूने मुझे इतनी गंदी फोटोएं दी थी जिससे मेरी रात की नींद खराब हुई, वो सारी अब SDM की ईमेल लेके SDM को मेल करो, बताओ ये केस हमारे पास आया है, हम इसको नहीं हेल्प कर सकते, हाउ टू प्रोसीड, उनको कर दो, और DC साहब को साथ में CC कर दो, ये के अमनदीप को आप कह दो ऑफिशियल। हाँ। हर एक केस की ईमेल भेजो, ठीक है, समझ गए। कौन है ज्योति? है अभी लेकर आए हैं, आउट पेशेंट है, आवारा ही है ये डॉग, लेकिन सर ने उसको वहाँ पर किसी लोकल वेट से भी चेक करवाया था और उन्होंने बताया कि इसको पेल्विक फ्रैक्चर है, लेकिन अभी हम भी एक बार चेक कर लेते आराम से। हम तो सोए थे, रात को चिल्लाने लगा, पर ऐसा लग रहा कहीं छत से गिरा, जिस हिसाब से इसको चोट लगी है, बाकी रोड तो वहाँ से दूर है। आप इसके पहले ले गए थे डॉक्टर के पास इसको? जी जी सर, डॉक्टर तो तब आए नहीं थे, उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने चेक किया और उन्होंने पहले भी वुंड का बताया। देखिए सर, अभी तो हम लोग इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर रखने के क्योंकि इसकी पेन में तो बहुत ज़्यादा है ना, अब वहाँ पर सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए आप, और हम इसका एक्सरे वगैरह कराएँगे, अगर देखिए पेल्विक फ्रैक्चर होगा तब तो फिर वो पेन मैनेजमेंट ही हो पाएगी, कि भाई जब तक दर्द भी कम कर पाएंगे, और ये रहेगा वैसे ही, अंदर ले चलो, बहुत ज़्यादा पेन है, फॉर नाउ तो इसको हायर डोज ऑफ पेन किलर दिलवाना है ना। वापस जो थे उनको पेन किलर नहीं दिया होगा जो अभी ये ले गए थे? दिया होगा लेकिन लग तो नहीं रहा उसका असर, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई मेडिकेशन भी दी थी? नहीं कुछ नहीं दिया। सबसे पहले तो पेन किलर देना होता है ना सलाह से पहले, ठीक रहा बेचारा। हाँ फ्रैक्चर है जहाँ पे सर ये ले गए तो उन्होंने कौन सा फ्रैक्चर बताया, पीछे वाला? हाँ, पेल्विक फ्रैक्चर बता रहे थे। अच्छा, लेकिन वहाँ पे है नहीं ना, स्वेलिंग है ना काफी वहाँ पे। चटनी रख दो, इसका नाम रसभरी रख दे, रसभरी तो अच्छा नाम है, हिंदी वाला ना वो, रसभरी नहीं रसभरी होता है ना, नहीं हिंदी वाला रसभरी मतलब पता है तुमको, लाइक फुल ऑफ रस से भरा हुआ। आगे की दोनों टांगें इसकी फ्रैक्चर है, ये ट्यूमरस फ्रैक्चर है, ये वाली एक रेडिएशन का फ्रैक्चर है, दूसरी बार इसको हम अभी कर क्या रहे हैं वैसे, बैंडेजिंग कर रहे हैं, और RGB कम से कम पेल्विक नहीं गया, मैं उसको भी कर लेती हूं, मैं भी वही खुश हुआ था, इसलिए पेल्विक जाने से क्या होगा, चांसेस बहुत वो हो जाते हैं ना, 50-50 हो जाते हैं, बीच में दिक्कतें भी बहुत आती है ना, डायरिया लगता है, डाइजेशन में दिक्कत आती है, उठ नहीं पा रहा पपी, पूप कई बार पास नहीं होता है, प्रेशर नहीं लगा पाते क्योंकि सेंस नहीं है पीछे। 3 महीने तक की रिकवरी का टाइम होता है इसका, तो होपफुली इतना टाइम लेके और इसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और पेन किलर एंटीबायोटिक्स से चलेंगी। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि ज्योति के वापस आने से जस्ट एक दिन पहले हमारे यहाँ एक डॉग आया खिलौना, जिसके ट्यूमर की वजह से उसकी जान बची, लेकिन उसका अपडेट देने से पहले मैं आपको एक कैंपेन के बारे में बताना चाहूँगा जो हमने कल रात को शुरू किया है, और ये कैंपेन इंस्पायर्ड है मणिपुर में हुई घटना से, पर ये कैंपेन किसी एक घटना के बारे में नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मकसद है ये देश की राजनीति को थोड़ा साफ करे और देश को औरतों के लिए थोड़ा
सेफ बनाएं। हम बस ये चाहते हैं कि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री साहब को एक छोटी सी ईमेल डालें कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें अगर उनकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी ऐसा खड़ा हुआ जिसकी सेक्सुअल वायलेंस की हिस्ट्री रही है तो आप उनके किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए इस लिंक को क्लिक करिए। ये कहाँ पर डाउ या ये पकड़ रखा है कमरे में? ये कमरे में नहीं, यहाँ पे। ओ हुआ क्या भैया इसको? ट्यूमर है। कब से भैया? काफी टाइम हो गया इसको। तो ये आपका पालतू है या क्या? स्ट्रीट डॉग है। पहले नहीं कराया इसका इलाज? पहले इतना था नहीं ना, एकदम से हुआ है। ये खिलौना है और इसको पैर में ट्यूमर की वजह से रेस्क्यू किया गया था जो कि काफ़ी बड़ा है ना, और बर्स्ट भी हो चुका है, मैगेट वुंड भी थे उसमें। लेकिन हमने जब इसको पालमपुर भेजा वहाँ पर इसकी बायोप्सी की गई जिसमें राउंड सेल ट्यूमर पाया गया है और इसका एक्सरे भी किया गया था। मतलब ट्यूमर तो है ही है लेकिन उसके शरीर में अंदर 3 जगह फॉरेन ऑब्जेक्ट पाया गया, छर्रे बोल सकते हैं ना हम। हमने इसको वहाँ ट्यूमर के लिए भेजा तो हमें पता चला कि अंदर वो छर रहे हैं, तो रिस्क बहुत है लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते उसकी पूरी ओवरऑल बॉडी कंडीशन के हिसाब से। हम यहाँ पर आए पालमपुर हॉस्पिटल में श्रीलू को लेके। श्रीलू बेटे, हम क्यों लेके आए इसको पालमपुर? इसको एक्सरे करवाना है ना हमने, ताकि इसका आगे का पता लगे कि हमें करना क्या है। मतलब खड़ी तो जाती, चलती भी है, इसकी टांग पीछे वाली टांग ऐसे अड़ती है दूसरी टांग के बीच में, तो चलने में अभी तो चल रही है पर बड़े दिक्कत होगी। श्रीलू ऐसे ऐसे घूमते हैं, पता नहीं खबर काफी डिसअपॉइंटिंग है। विस्तार से हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे और जैसा आपने सुझाया था कि ब्लॉग एक अच्छी खबर पे खत्म किया करें। कलयुग की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है, जो भी इस पे डाला गया उसकी वजह से इसकी चमड़ी तो पूरी तरह झुलस गई पर लकीली इसकी मसल जो है डैमेज नहीं हुई, तो ये काफी जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पर इसकी जो पूरी डॉक्टरी रिपोर्ट है वो डॉक्टर तरण आपको अगले ब्लॉग में देंगे। नहीं, मैं भूसे में डाल रहा हूँ तेरे में। ठीक।